अरविंद जी, आपकी वाइफ की सूचना मिली है कि वो कहीं बाहर चली गई हैं, वो कहाँ गई हैं और क्या कुछ सूचना आपके पास है? मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ हैं सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है, क्या पता चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग उस पर। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने के लिए? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने के लिए, क्लियर कट मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरीफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ किसी अपने मित्र से मिलने गई हैं वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे, मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई। हाँ, कि अपने मिस से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी मेरे। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, किससे मिलने गई हैं, कहाँ गई हैं। अरु जी, ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हो गए हैं? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर, 2007 से शादी। और कौन कौन है फैमिली में आपके? मेरे दो बच्चे हैं, वो है अभी साले और घर वाली उसको बुलाया था। तो ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं या बात? ना, ऐसा तो मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, वर्किंग है, वो भी ड्यूटी जाती है, 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का इसका। आप क्या कारण मानते हैं कि आपकी वाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि वो देश छोड़ के दूसरे देश चली गई हैं, एक अनजान देश में? सर, ये तो मैं बता नहीं सकता, वो आएगी तो ही बताएगी कि क्या है स्टेप, क्या है। वो कह तो रही थी आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ। आपकी बात उनसे हो रही है? हाँ नहीं, मेरे से तो नहीं हुई कि आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ, बच्चों से हुई होगी बात जो भी हो। चूँकि अभी एक मामला और गरमाया हुआ है, सीमा हैदर का, हमने देखा ये है। ये पता तो है मेरे को। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरीके का मामला है? नहीं, उस तरह का तो नहीं है, इसके पास तो पासपोर्ट और वीज़ा है। अगर इगलकर से जाती तो कुछ और एरिया से जाती। लेकिन ये जो जनून तरीके से गई है? हाँ, जनून तरीके से गई है, अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। चूँकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती है कि वो यहाँ पे सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आएगी। 4 बच्चे भी उनके नाम साथ लेकर आई हैं, अलग गलत तरीके से आई हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ गई हैं? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी करता था तो कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे को तो पता है। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि वहाँ एक शख्स हैं, वो टीचर हैं, और उनसे मुलाकात काफ़ी लंबे से, मतलब बातचीत काफ़ी लंबे से होती थी और उनसे मिलने गई हैं वहाँ, ये मेरे को नहीं पता है सर, मेरे को तो कल पता है सारा चीज़। तो आप दोनों की अगर मैं संबंधों की बात करूँ तो क्या नॉर्मल थे संबंध? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं किचन में, कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं, कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं। आमतौर पे जो व्यवहार रहता था आपकी धर्मपत्नी का, वो किस तरीके का रहता था? ना, व्यवहार तो सही है उसका, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी के आपकी बात हुई और उन्होंने बोला कि अपने परिवार जन को भी उन्होंने बता दिया है? हाँ ये बोली। आपकी अपने परिवारजन से बात हुई, उनके परिवारजनों से, तो उनका क्या रिएक्शन था, इस पर क्या कहना है? मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने खुद किया फ़ोन मांग के, मेरा तो फ़ोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या, बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीज़ा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लूँ बलस्सी से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ वॉइस कॉलिंग में। कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। आप ये बात हुई थी क्या उनकी बातों लग रहा था ये परेशान है वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ? परेशानी की तो मेरे से कोई बात नहीं थी ऐसा लगा। ना ना, हंस के बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग पर।
अनवारम अली। जब आपके उनके परिवार वालों से बात हुई, उन्होंने बता दिया सबको यहाँ पर उनके माता पिता को, तो हाँ, उनका क्या कहना था, कुछ आपसे बातचीत हुई? उनके माता पिताजी से तो मेरी बात ही नहीं होती उतना, सही बताऊँ मैं बात किसी से करता ही नहीं ज़्यादा। हमारे चाचा हैं ना सगे, उनको भी नहीं फोन करता मैं, रियल मेरा ये कमी है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि किसी भी रिलेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप लोगों के बीच बातचीत कम होती थी या उनके? नहीं, बातचीत तो हमारा डेली देखो डिटेल तो फ़ोन पे बात होती है हर चीज़ के, भाई बच्चों को कैसे करना है, क्या है किसी है, ये तो फ़ोन पे हमारी बात होती है। कंपनी जाता हूँ, माने सर जाता हूँ तो भी बात होती है हमारा, किसी बंदे को लगाना है, कोई है आईटीआई, ये सब हमारी बात होती रहती है। हाँ, अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया, क्या मानते हैं आपकी क्या कारण हो सकता है? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता सर, क्या कारण है, अब वो आएगी तो वही बताएगी कारण, मैं तो नहीं बताता। ये उन्होंने बोला कि वापस आएंगी? वापस आने की तो बोली है वो मेरे से, एक कुछ दिन पहले बोली थी मंडे को आऊँगी मैं, अब मंडे के बाद कह रही थी, कल पूछा मंडे को आना है ना, वो बोली कि एक दो दिन में आ जाऊँगी, एक दो दिन में आ जाऊँगी। क्योंकि अरविंद जी उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया है, और वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे। बच्चों को जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई है तो बच्चों को क्या रिएक्शन था? बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग वैग बाहर रख दूंगी। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। पुलिस के आपके पास कोई सूचना उचना लेने आई थी? अभी तो मेरे को क्या पता कौन, कल आई थी एक, आई थी उन्हीं, वही सामने जो थी सारी बात विचार हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि? हाँ, लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछूं, क्योंकि आप लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? मैं तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यही पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई, मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ मत करो, यहीं आओ यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 में, तो इनके हो गए थे, फिर मैं लाया बच्चों को 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया, मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक हो जाए। क्या अरुण जी कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार के चली गई हो? ना ना ना, बता के जाती हैं, बता के गई हैं, जिस गई हैं तो फरीदाबाद ही गई हैं, ऐसा कहीं नहीं गई हैं। ऐसा पहली बार हो कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ, अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीज़ा लगवा लूँ, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसमें, या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ या फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, वो अभी मीडिया पर मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान तो चली गई है? हाँ, मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ कच हो जाएगा फिर। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जल्द से वापस आए? मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करेंगे। आपके परिवार का क्या कहना है इस पर, जो आपके माता पिता हैं या? मेरे मामी पापा तो हैं। और जो रिश्तेदार वगैरह उनसे कोई बातचीत हुई? मेरे पापा जी से बात हुई थी बस, वही उन्हीं से। उनका क्या कहना है कि? उन्होंने बोला मरने दे तुम बच्चों को देखो। क्योंकि अरविंद जी ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो गया है, और आगे के लिए आपने क्या सोचा है अभी? अभी तो आगे के लिए नहीं, अभी यही दिमाग में घूम रहा है, बस इंतजार है उसका। इंडिया में आ जाए अपना, बच्चे कह रहे हैं वो बोल दूँ अलग रहे अपना जो भी। अगर वो इनकेस अगर नहीं आती हैं यहाँ पर वापस, अगर वो वहीं रहना चाहती हैं तो तब आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए।
कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कहेंगे आएंगी तो अपनी मर्जी से ही आएंगी, मैं उसमें दबाव नहीं दे रहा हूँ। मैं तो उसके लिए बोला था जयपुर थी, मैंने भाई आ जाओ जो पकड़ लो, इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं। क्योंकि अरविंद जी वो झूठ बोल के आपसे गई, जयपुर कहने गई थी और एक दूसरे अनजान देश में चली गई है, आपको लगता है कि धोखा भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया आपके साथ? ये धोखा ही है जो बिना बताए चली गई। बच्चे जैसा फैसला लेंगे आप वो मानेंगे? बच्चे भी लेंगे, इनके मम्मी पापा को भी बुलाऊंगा, सब एक साथ बैठ के बात करेंगे, फैसला उनके भी तो होना चाहिए उनके अंडर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी बात तो इनको भी तो पता चल गई, क्योंकि एड्रेस वहाँ का भी है, उन्होंने डाल रखा है, यहाँ का भी डाल रखा है, वहाँ भी पहुँच गई है मीडिया। आपकी बात कल रात हुई लास्ट में? हाँ बात हो गई। अगर अभी आप उनको कॉल करेंगे तो क्या बात हो पाएगी? अब उनके उठाने के ऊपर है, वैसे तो कह रही थी, मैं रात को किया था 2:30 बजे के आसपास, फ़ोन नहीं उठाई। आप भारत सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे या कोई अपील करना चाहेंगे कि जो भी कुछ हुआ है अभी लेकर आया जाए? या सर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए, मैं खुद टेंशन में, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं, आप ये सरकार से कहना चाहेंगे कि हाँ आना चाहिए, मैं सरकार से यही बोलूँगा आना चाहिए, अगर गलत काम से गई है तो उसका वो बात अलग है, अगर वीजा के साथ गई तो आना चाहिए, सरकार से यही अपील करूँगा। और जल्द वापस आएंगी? आने के लिए तो बोली है वो, बच्चों से भी कही थी कि आऊँगी 2-4 दिन में। लेकिन ये श्योरिटी नहीं कि कब आएंगी ये भी आपको लगता है? क्योंकि वो ऐसे देश में गई है जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि जनून तरीके से हो जाने की बात कर रही है और सूचना भी ऐसी आ रही है, अगर कोई मिसहैप वहाँ हो जाता उनके साथ तो आप क्या? सर अगर इग्रिल करके भैया या कुछ अगर गलत वहाँ पर कैसे हो जाए? अब गलत हो जाए तो वो बात अलग है, अगर पासपोर्ट अगर वीजा सही है तो आ जाना चाहिए, अगर गलत इग्रिल गलत से गई है तो चांस कम होता है ज़्यादातर। उन्होंने ये बात बोली आपसे कि वो वापस आएंगी? हाँ वापस आने के लिए तो वो बोली है, हाँ ये बोली है 2-3 दिन में आ जाऊँगी, ये बात है। आपने उनसे बात नहीं की? आपने क्या उन्हें ये पूछा था कि कोई शादी वगैरह के सिलसिले? हाँ शादी के बारे में तो बात करी थी तो मना कर रहे थे, ऐसे कोई बात नहीं किसी की शादी या कोई सगाई वगैरह ऐसे किसी? अब सगाई वगैरह के तो बाहर नहीं पूछा मैंने, बस ये बोली कि पाकिस्तान गई, किससे मिलने गई है ये नहीं मैं पूछा।